अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत मज़ेदार है। आज मैं आपको बहुत अच्छा अच्छा फर्नीचर दिखाऊंगा। आज मैं आया हूँ फर्नीचर एक्सपो लाहौर में और ये है एक्सपो सेंटर में। तो गाइस, अब हम एक्सपो सेंटर पहुँच गए हैं। एक्सपो सेंटर पहुँच के अब हमें जो है ये फ्री जो है शटल सर्विस दी गई है। ये शटल सर्विस हमें पार्किंग एरिया से एक्सपो सेंटर हॉल नंबर 1 तक लेकर जाती है, क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो स्पेशल इन्होंने जितने भी जो एक्सपो देखने लोग आ रहे हैं उनके लिए शटल सर्विस प्रोवाइड की हुई थी। तो ये शटल सर्विस हमने भी अवेल की। अभी हम शटल सर्विस में बैठ गए हैं। शटल सर्विस में बहुत ज़बरदस्त किस्म का AC लगा हुआ था और इसने हार्डली हमें विद इन अ 1 मिनट हमें हॉल नंबर 1 में पहुंचा दिया। तो अभी हॉल नंबर 1 में हम जा रहे थे, तो अभी हम चूँकि जल्दी आ गए थे 3 बजे 4 बजे, तो इतना रश वहाँ पे नहीं था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो वहाँ पे रश भी बढ़ता गया। गाइस, ये आज का जो एक्सपो सेंटर की टाइमिंग्स थी वो थी दोपहर 2 बजे से शाम जो है रात जो है 10 बजे तक। तो बाकी आपको दिखाते हैं, बड़े मज़े का फर्नीचर, बहुत अच्छा, और इन्होंने 40-50% आज़ादी सेल भी लगाई हुई थी तो वह भी हमने अवेल की और काफ़ी लोग आए हुए थे, बहुत सारा सामान लेकर जा रहे थे। तो गाइस, हमें बहुत ही मज़ा आया। तो आगे अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि कैसा फर्नीचर आया हुआ है और कैसा व्लॉग है और कैसा व्यू और कैसा समा है। तो गाइस, हमारे साथ जुड़िए रहिए और अंदर जाके देखिए क्या हुआ। Thank you.
जी गाइस, तो मज़ा आ रहा है अभी। तो और भी बड़ा कुछ बाकी है, होम डेकोर की और भी बड़ी चीज़ें हैं। बेड सेट हैं, सोफ़ाज़ हैं, टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, साइड टेबल्स हैं, और इवन के वॉशरूम के लिए भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक्सेसरीज हैं। तो आप आगे देखते जाइए और मैं आपको दिखाता जाता हूँ। जी गाइस, तो ये देखिए, ये बहुत छोटे छोटे पीसेस हैं डेकोरेशन के। ये आपके ड्राइंग रूम में, आपके गेस्ट रूम में बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। ये अगर आपने लगाने हो तो डाइनिंग टेबल के साथ जो साइड टेबल्स होते हैं उन पर सेटअप कर सकते हैं। और बहुत ही इकोनॉमिकल इनकी प्राइस थी और बहुत ही मास्टरपीस लेवल के जो थे ये डेकोरेशन पीसेस थे। और ये वॉशरूम एक्सेसरीज हैं, शैम्पू के लिए, सोप के लिए, हैंड वॉश के लिए और फेस वॉश के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सेसरीज़ हैं। टूथब्रश, टूथपेस्ट रखने के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और जो वॉशरूम के लिए जो आप रखते हैं परफ्यूम जो होते हैं स्पेशल, जो अरोमास होते हैं वॉशरूम के लिए, वो पड़े हुए हैं। जी गाइस, तो अब हुआ है वक्त वापस जाने का। उम्मीद है कि आपको हमारा एक्सपो सेंटर का विज़िट बहुत अच्छा लगा होगा। जी गाइस, तो यहाँ से एक्सपो सेंटर का सफ़र जो है वो होता है ख़त्म और हमारा नया जो है खाने का सफ़र जो है शुरू होता है। तो आज हमने जो है खाने के लिए हमने जो चूज़ किया है रेस्टोरेंट वो है चीज़ियस। काफ़ी अरसे से मेरा दिल चाह रहा था, काफ़ी मैंने सुना था चीज़ियस के बारे में, बहुत ज़बरदस्त है, चीज़ लोडेड उनका पिज़्ज़ा है। तो हमने सोचा क्यों ना यार चीज़ियस जाया जाए। तो अब हम चीज़ियस के
रास्ते पर गामजन है और ये चीज़ यस आ चुका है। ये फर्स्ट थोड़ा सा यू टर्न ज़रा लंबा है, यू टर्न लेकर आना है और बेतहाशा गाइस यहाँ पे रश लगा हुआ था। रश के बायस हमें ये देखें, ये सारी गाड़ियाँ जितनी लगी हुई हैं ये सारी चीज़ यस की ही लगी हुई हैं। ये यहाँ से हम मुड़ेंगे, यहाँ से यू टर्न लेंगे, यू टर्न लेके आगे जाएंगे तो आगे जो है हमें पार्किंग मज़ीद नहीं मिली। तो मैं बहुत थक चुका था क्योंकि एक्सपो सेंटर से हम थके हुए आए हुए थे, तो हमारे पास दो गाड़ियाँ थी माशाल्लाह। तो हमें अब जो है ना पार्किंग का इशू हो रहा था क्योंकि ये सारी गाड़ियाँ पार्किंग थी। लेकिन मज़े की बात ये थी कि वहाँ पे जो है वैले पार्किंग जो है बिल्कुल फ्री थी। मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में वैले पार्किंग के सेपरेट चार्जेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है हमें वैले पार्किंग बिल्कुल फ्री मिली। तो मैंने बग़ैर सोचे समझे जी गाड़ी दी वैले में, और जो पीछे फैमिली आ रही थी उनको उनकी गाड़ी भी हमने वैले में दे दी। तो ये इनकी वैले सर्विस है, इसका हमें बड़ा ही मज़ा आया। तो इसके बाद गाइस इन्होंने बहुत अच्छा 14 अगस्त के हवाले से डेकोरेट किया हुआ अपना चीज़, यस झंडा लगा हुआ, लाइटनिंग है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की सारी चीज़ें हो रही हैं। लोग बड़ा एंजॉय कर रहे थे, बच्चे भी सारे, बूढ़े नौजवान, और हमें तो पहले थोड़ा सा वेट करना पड़ा, इतना रश था। फिर हमने जो है मैनेजर से कह के स्पेशल सीट्स अपनी बुक करवाई, तो ये उन्होंने हमें टेम्प्ररी एक जगह पे बिठाया है, यहाँ पे हम बैठ के जो है वो ऑर्डर देख रहे हैं। ये हमारा अगला जो हमें परमानेंट टेबल वो देंगे वो ज़रा डिफरेंट है, ये थोड़ा सा जो है ये छोटा टेबल है। तो गाइस हमने इनके जो है वो स्पेशल रोल्स, एक चीज़ वाले रोल थे वो, और दूसरे एक और मतलब विदाउट चीज़ रोल थे वो हमने ऑर्डर किए। साथ हमने इनका पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, लार्ज पिज़्ज़ा जो यूरो स्टफ में था वो बहुत ही टेस्टी था। ये देखिए हमारे ये जो सिंपल रोल्स हैं इनके साथ चीज़ वाले रोल्स हैं, साथ एक डिप है, डिप हमने एक्स्ट्रा भी मंगवाई थी इनसे, इनकी डिप भी बहुत टेस्टी थी। और गाइस ये देखें ये आगे हमारा पिज़्ज़ा, इसमें जो फ़्लेवर है वो यूरो है, इसमें मुख्तलिफ किस्म का मीट है और वो भी बड़ा टेस्टी और यमी है। तो हमने ये जो है बड़े मज़े से इन्जॉय किया जी गाइस। तो उम्मीद है आपको हमारा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।